आज की साइकोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से एचपी टेट 2024 के एग्जाम के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास फिफ्थ आपके पास ये रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास रहेगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जिसे एनसीएफ कहा जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है, पाठ्यक्रम रूपरेखा में वे किस सूची में रखा गया है। देखिए, इसमें कहा गया कि एनसीएफ जो है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एक ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आप उसको बोल सकते हैं, एक ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट की गई है जो कि हमारे स्कूल के अंदर जो सिलेबस होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको वो फ्रेम करता है, उनको वो बनाता है। जितना भी काम हमारी बुक्स में होता है, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी स्कूल की डेली पर्पस के ऊपर जो वर्किंग की जाती है, वो एनसीएफ के द्वारा ही डिज़ाइन की जाती है, उसके द्वारा ही बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड। इसमें यह कहा गया कि बच्चों को अगर शांति की शिक्षा देनी, यानी कि पीस एजुकेशन, ठीक है, जैसे मॉरल एजुकेशन के लिए उनको बुक लगाई गई है, उसके बाद रिलीजियस एजुकेशन को देने के लिए क्लासिक्स 7th में महाभारत रामायण की बुक्स लगाई गई हैं, ठीक है, वैसे ही शांति की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पीस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वो किस लिस्ट में रखा गया। तो ऑप्शन ए में कहा गया, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि वो जो शांति है, ठीक है, उनकी एजुकेशन उनको मिल सके, नैतिक शिक्षा उनको देनी चाहिए, शांति की शिक्षा देनी चाहिए। देखिए, शांति की शिक्षा में क्या कहा गया, शांति शिक्षा को अलग विषय में पढ़ाया जाए, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एक ऑप्शन डाला इन्होंने। और नेक्स्ट है, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, तो क्या राइट आंसर इसका रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में क्या बात कही गई थी, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है उसमें कौन सी बात कही गई थी। पहला है, ज्ञान स्थायी होता है, दिया जाता है, ज्ञान से विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कहा गया, सॉरी ऑप्शन कहा गया कि ये परमानेंट होता है, नॉलेज को डिवेलप करता है, जो कि हमें एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाता है। नेक्स्ट है, टीचर इज फ्रॉम अ स्पेशल सेंटर, कि जो शिक्षक है केंद्र से, विशेष केंद्र होने पर, कि एक टीचर जो है वो एक सेंटर पॉइंट है एजुकेशन का। थर्ड है, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड से जो है वो टीचर सेंटर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कि पहले बच्चों को चाइल्ड नीड ऑफ द चाइल्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, फिर धीरे धीरे जो शिक्षक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, और लास्ट है नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एनसीएफ 2005 में ये कहा गया कि जो भी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। अगर मैं ऑप्शन बी और सी की बात करूं तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात नहीं कही गई है, कि जो सिलेबस है या करिकुलर एक्टिविटी है या जो करिकुलम है ओवरऑल, वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये बी और सी में नहीं कहा गया है। ऑप्शन ए में कहा गया कि जो नॉलेज होना चाहिए वो परमानेंट होना चाहिए, ताकि वो हमें हमारी इंटेलेक्चुअल पावर, ऑलराउंड डेवलपमेंट को जो है वो डिवेल्प करे, उनका हेल्प करे, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों, यानी कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म करनी है, कि एग्जामिनेशन सिस्टम को थोड़ा सा सुधारा जाना चाहिए, तो इसमें से कौन सा सुझाव जो था वो यहाँ पे मुख्य रूप से उपयोगी है। पहला ऑप्शन है, खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए, ओपन बुक एग्जामिनेशन होना चाहिए। सेकेंड आता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन होनी चाहिए। थर्ड है, ग्रुप वर्क इवेल्यूएशन होनी चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन डी आता है, कि ये सभी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हैं। जो एनसीएफ 2005 है उसमें जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको सुधारने की बात कही गई थी, कि जब भी बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो उनको हमें अगर रिफॉर्म करवाना है, थोड़ा नए तरीके से अगर एडजस्ट करना है, तो हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। आपको पता है कि अब धीरे धीरे एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो डे बाय डे के और चेंज हो रहा है। हम सिर्फ इन चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं, जो हमारी साइकोलॉजी है वो आप ध्यान रखेंगे, वो सिर्फ हम स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ना कि हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू। तो अगर स्कूल लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे 10th क्लास का अगर कोई बच्चा है, तो आज से 5-6 साल पहले जो उसका
सिलेबस था, जिस तरीके से उसका एग्जामिनेशन सिस्टम होता था, तो उसमें सिर्फ यही बात थी कि एनसीईआरटी के जो जो उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सिर्फ वही पूछे जाते थे, उसका 80 मार्क्स का जो है वो टोटल जो है वो उसका पेपर रहता था। लेकिन आज के टाइम में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल जो उस बुक में सुजेस्ट किए जाते हैं वो उनको भी करवाया जाता है, वो भी एग्ज़ाम सिस्टम में आ सकते हैं। उसके साथ साथ कई बार कुछ ऐसी वहाँ पे बच्चों को होमवर्क के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं, वो भी उनके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। उसके साथ अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से जो 20 मार्क्स हैं वो उसके वन लाइनर के होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मैच द कॉलम होंगे, और जो उसका 60 मार्क्स का एग्ज़ाम है वो उसका थोरेटिकल बेस्ड होगा, जिसमें से उसको कुछ जो है वो 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 3 मार्क्स के, कुछ 5 मार्क्स के। ये उसके हर किसी पेपर की बात कर रहा हूं मैं, चाहे उसका हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, उसको 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, चाहे उसका ड्राइंग का पेपर हो, ठीक है, चाहे उसका कंप्यूटर का पेपर हो, जितने भी स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 20 का पोर्शन है वो उसका वन लाइनर, उसके एमसीक्यू, उसके फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम, चाहे हिंदी है, साइंस है, मिक्स क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे। तो वो जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बुक दे दी और बच्चे को बोल दिया कि सारा सिलेबस यहीं से आना है। नहीं, बच्चे को थोड़ा डर होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया एनसीईआरटी की बुक तो हमें लगी है क्योंकि हमें सिलेबस ज़रूरी है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस सिलेबस के साथ साथ हमें ये भी बताया जाता है कि आपके जो क्वेश्चन हैं, अब देखिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी बुक में नहीं होंगे, वो घुमा फिरा के मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में वो आपसे पूछ लिए जाएंगे। उसके साथ साथ उसमें जो एग्जाम्पल होते हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात की गई, उसके साथ कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूएशन होनी चाहिए। कॉन्टीन्यूस CCE की बात की जा रही है, CCE हमें ये समझाता है कि सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ को एग्जामिनेशन सिस्टम में ऐड ऑन किया जाना चाहिए। और ये सबसे बड़ी एक रेवोल्यूशन थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि अभी तक जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992 जिसके अंडर हम वर्क कर रहे थे, अब 2020 की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले 2020 से पहले जो 1992 थी उसमें सिर्फ यही चीज़ बताई जाती थी कि जब भी हम अपना अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा थ्योरी पोर्शन, ठीक है, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरी पोर्शन। अगर आप थ्योरी में पास हैं तभी आपको प्रैक्टिकल में एड ऑन किया जाएगा। लेकिन अगर मैं रूसैक सिस्टम की बात करूं कॉलेज लेवल पे, तो उसमें ऐसा भी सिस्टम है कि अगर आप थ्योरी में अगर कम मार्क्स लेके आते हैं, हाँ थ्योरी आपकी मस्ट इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल को भी उतनी ही वेटेज दी जाती है। अगर आपकी 50 नंबर की थ्योरी है तो आपके 50 नंबर का ही आपका प्रैक्टिकल होगा। मान के चलते हैं किसी बच्चे के थ्योरी में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, सिर्फ वो पास होता है, उसने यहाँ पे जो है वो टोटल 18 मार्क्स जो है वो उसने यहाँ पे लिए थ्योरी के पोर्शन में, और प्रैक्टिकल में उसने जो है वो लगभग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है वो 40 मार्क्स जो है वो उसने ले लिए, तो उसका जो ओवरऑल जो रिकॉर्ड होगा वो 58% में काउंट हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन में देखी जा रही है, जिसमें उसकी स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक चीज़ों दोनों को काउंट किया जाता है, यानी कि सिलेबस को भी काउंट किया जाएगा जो थ्योरी वाला पोर्शन है, उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ऐड ऑन किया जाएगा। अब वो सिर्फ बोलने की बातें ऐसी होती हैं कि जब भी बच्चा अगर पेपर देता है, हमें ये सिखाया जाता है कि जो 20 मार्क्स हैं उनके जैसे असेसमेंट होगी तो उनको डिवाइड किया जाता है कि 5 नंबर की आपकी अटेंडेंस होगी, 5 नंबर का आपका बिहेवियर होगा, फिर 5 नंबर की आपकी असाइनमेंट्स होंगी, 5 नंबर का आपका कैसी ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं वैसी होंगी, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। टीचर जिसको 20 देना चाहता है उसको 20 ही देगा, जिसको 18 देने उसको 18 देगा, चाहे वो बच्चा डांस में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, असाइनमेंट कितनी अच्छी क्यों ना बनाता हो, अगर थ्योरी में उसके मार्क्स कम हैं तो उसको प्रैक्टिकल में भी उसी के अकॉर्डिंग उसको मार्क्स लगेंगे। तो ये चीज़ रियलिटी है, इसलिए जो कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है उसमें दोनों चीज़ों को फोकस किया, सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटी, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा। हम काफ़ी लंबे समय से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किसकी तरफ इशारा करती है? सबसे पहला ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों को माध्यम से शिक्षा देने में प्रोत्साहित करती है, यानी कि जो स्पेशल नीड चाइल्ड हैं उनको एजुकेशन देने के लिए बात की गई है। सेकंड ऑप्शन है सिर्फ लड़कियों के लिए एजुकेशन दी जाएगी।
थर्ड है जो हेल्दी चिल्ड्रन है सिर्फ उनको दी जाएगी, और ऑप्शन डी है जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषा या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर, यानी कि हमने बच्चों की फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, लिंग्विस्टिक एंड अदर एबिलिटी जो है वो उनको माइंड में नहीं रखना है और उन सभी बच्चों को जो है उस एजुकेशन में शामिल करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में बताया जाता है कि नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो हमारे स्पेशल चाइल्ड हैं उनको भी उस एजुकेशन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। देखिए इसमें यह कहा गया जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है, अभी हमारा क्रिएटिविटी का चैप्टर जो है वो चला हुआ है, ठीक है, हाफ चैप्टर हुआ है तो जल्दी हम उसको कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज नॉट फाउंड इन क्रिएटिव चाइल्ड, जिस जो बच्चा क्रिएटिव होता है उसमें कौन सी चीज नहीं पाई जाती, कौन सी क्वालिटी नहीं होती है। सबसे पहला खोजपूर्ण प्रवृत्ति, यानी कि एक्सप्लोर करता है चीजों को। नेक्स्ट आता है गुड इनसाइट, ठीक है, अच्छी अंतर्दृष्टि। थर्ड आता है एक्टिविटी, ठीक है, क्रियाशीलता। और लास्ट आता है लिमिटेड इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, गुड इनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। जो राइट टू एजुकेशन है जिसे हम आर्टिकल 21 ए में काउंट करते हैं, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 ए फंडामेंटल राइट है, जिसमें से ये जो इसकी फुल फॉर्म है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, जिसमें ये कहा जाता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इसमें जो एक कंपल्सरी है ये शब्द हमें क्या समझाता है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार दाखिले, अनुपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करे, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमें एडमिशन के बारे में बताए, अटेंडेंस के बारे में, या जो भी हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है वहां पे ये देखे कि एजुकेशन किस तरीके से जो है वो प्रॉपर ढंग से हो रही है नहीं हो रही है। सेकंड है उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता करे, ठीक है, इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की गई है, यानी कि जिस स्टेट में है वही वाली गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा ध्यान रखे। थर्ड है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर जो है वो डाला जाए, यानी कि बच्चों को जबरदस्ती जो है वो स्कूल में भेजना है। और लास्ट इसमें बताया गया अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है, यानी कि बच्चों को अगर हमने कॉन्टिन्यूस एजुकेशन देनी है तो कॉन्टिन्यूस उनकी टेस्टिंग जो है वो होती है। तो कंपल्सरी शब्द की यहाँ पे बात की गई, इसका क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। जो आर्टिकल 21 ए है राइट टू एजुकेशन, उसमें जो उचित सरकार है यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसका वहां पे मुख्य रूप से योगदान रहता है कि वो एडमिशन के बारे में देखे, अटेंडेंस के बारे में देखे और एलिमेंट्री एजुकेशन को ध्यान दे कि क्या वो पूरी तरह से वहां पे सुनिश्चित हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के इसमें क्या चीज कही गई थी, ठीक है, मेन यही चीज है कि आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस चीज के ऊपर मोर इसमें इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है वो चीजों के ऊपर फोकस किया गया, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सबसे पहला कहा गया कि ये अप्रभावित है, ठीक है, तो अप्रभावित यानी कि अनइफेक्टेड है, ये ऑप्शन तो पहले ही आपका निग्लेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड है लिंग के अनुसार समजातीय है, ठीक है, कि जेंडर के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर ढंग से रहना है। थर्ड है लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, ठीक है, होमोजीनियस अकॉर्डिंग टू जेंडर। और लास्ट आता है आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय है, ठीक है, यानी कि इसमें एज के अकॉर्डिंग चीज जो है वो कही गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, यानी कि हम किसी भी तरीके का भेदभाव जो है वो जेंडर की फॉर्म में नहीं करते राइट टू एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी विद्यालय के अंतर अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मन करता है।
तो पहला ये है कि क्या हम ये विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। देखिए, समावेशी विद्यालय की बात की गई है, इंक्लूसिव स्कूल की, जिसमें नॉर्मल बच्चों के साथ जो है वो डिसेबल बच्चे भी पढ़ते हैं। सेकंड में कहा गया कि हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, यानी कि हम एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो मिल सके। थर्ड ये आता है कि हम विशेष वालों को बेहतर देखभाल उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें सामान्य से अलग करते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ कही गई कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको उस चीज़ में ढालने के लिए जो है वो एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनमें उनके लिए जो है वो एक बेटर केयर जो है वो स्कूल प्रोवाइड करवाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू। और लास्ट है क्या हम शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्ति अपनाते हैं, यानी कि हम क्या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं जो डाइवर्स नीड जिनको होती है लर्नर्स को, उनके लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हम बच्चे को जो है वो बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य बच्चों से अलग कर देते हैं, उनको रिसोर्स रूम जो है वो हम प्रोवाइड करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उनकी अपेक्षा की जाती है कि इसमें कहा गया कि जो सीबीएसई है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, वो बच्चों को क्या करता है कि उनको एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, ताकि बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे अपने उस सिस्टम में जो है वो ज़्यादा डिवेलप हो जाएं। तो बच्चों के समाजीकरण जिस तरीके से किया जाता है, जिस तरीके से उनको सोशलाइज्ड किया जाता है, क्योंकि जो सोशलाइज्ड है उसमें बच्चा जो है वो ज़्यादा चीज़ों के साथ सीखता है, अपनी चीज़ों को एनहांस करता है, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाता है। तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? पहला ऑप्शन कहा गया, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीजें हम सीखें, ठीक है, और सभी चीजें जो है वो हमें सीखनी चाहिए स्कूल से, चाहे किसी भी प्रकार का उसका क्या हो, बैकग्राउंड हो। सेकंड है, वे समय नष्ट करने वाले सामाजिक आदतों प्रकृति द्वारा सीखी जा सकती है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, कि टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, ये तो चीज गलत है। थर्ड है, सामूहिक कार्य में भागीदारी करें और सामाजिक कौशल सीखें। और लास्ट है, वह बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार रहें, कि वो सोसाइटी में जो है वो कोई भी बात ना उठाएं और उसका जो है वो पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जो सीबीएसई के द्वारा सोशलाइजेशन की जाती है उसमें ये चीज़ बताई जाती है। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी कार्य को ग्रुप में करते हैं, जैसे स्कूल में प्रेयर की जाती ग्रुप में होती है, तो उससे बच्चा जो है वो अपनी सोसाइटी में चीज़ों को ज़्यादा सीखता है। अगर कोई एक कैंप लगाया जा रहा है, ठीक है, एक रैली निकाली जा रही है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक्टिव, तो इसमें जैसे रैली लगा दी गई या कोई कैंप लगा दिया गया, तो उसमें जो बच्चा है वो ज़्यादा चीज़ों में सीखता है, क्योंकि उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, ग्रुप वर्क होता है, और नई सोशल स्किल्स को जो है वो सीखता है, तो उसको कहा जाता है सोशलाइज्ड। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और अबोधन से संबंध विकार है, यानी कि ऐसी कोई डिसेबिलिटी आपको बतानी जो लैंग्वेज से रिलेटेड है और उसके साथ साथ परसेप्शन से रिलेटेड है। पहला है भाषाघात, नेक्स्ट है चलाघात, थर्ड है पठन में वैकल्प जिसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, और लास्ट है वाक् संबंधी रोग, यानी कि स्पीच रिलेटेड अगर बच्चे को कोई डिजीज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भाषा अबोधन यानी कि लैंग्वेज एंड परसेप्शन से जो रिलेटेड है वो अफेसिया है, डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षा को पूरी कर सके और वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके? आप यानी कि आपको कोई एक ऐसा इफेक्टिव मेथड बताना है जिससे जो बच्चा है वो आपकी अपेक्षाएं हैं उनको वो पूरा कर सके और अपनी पार्टिसिपेशन भी वहां पे शो कर सके। तो पहला है, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, कि आप जो है वो काफी ज्यादा एक्सेप्ट उनसे जो है वो कर रहे हैं। सेकंड है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि आपको विश्वास है कि वो कर सकते हैं।
थर्ड है पढ़ाए जाने वाले विषय से आप अपनी रुचि विकसित करें कि जो भी बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसमें वो इंटरेस्ट क्रिएट करें। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों से पराया तुलना करते रहना चाहिए कि बच्चों को जो है वो कंपेयर करना चाहिए कि देखो वो आपका दोस्त इतना आगे चला गया, आप आगे नहीं जा रहे, यानी कि कंपेरिजन करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें उनकी सफलता के लिए जो है वो क्या करना है, अपने अंदर एक विश्वास लेके आना है, ठीक है, कि वो उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस एनहांस करना है, इंटलकेट करना है, ताकि वो अपनी एबिलिटीज को जो है वो बढ़ाया जा सके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकार जो है वो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, यानी कि नोट एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर। सबसे पहला है अटेंशन डिफीट डिसऑर्डर, सेकंड है सेल्फिश, थर्ड है सेरेब्रल और लास्ट आता है टेरामेटिक स्ट्रेस ओन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभिघातज तनाव। ये विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का ये एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में समावेशन मुक्ता केंद्रित होता है, यानी कि एक इंक्लूसिव स्कूल में जो फ्री सेंटर्ड एजुकेशन होती है वो किस तरीके से शो की जाती है। पहला ऑप्शन है, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों को शैक्षिक आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। सेकंड है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए जो है वो स्पेशल कैटेगरीज जो है वो बनाई जाती हैं। उसके बाद है, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, सिर्फ जो डिसेबल बच्चे हैं उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है। जो थर्ड है वो संपूर्ण कक्षा की कीमत पर मेरे योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, यानी कि जो सिर्फ एलिजिबल चिल्ड्रन है सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे इसमें बताया गया क्रिएशन ऑफ माइक्रो, ठीक है, फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, उनको डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड किया जाता है। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन अभी पढ़ा कि बच्चों को जैसे रिसोर्स रूम हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हम उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं जिनको स्पेशल नीड है, तो हमने उनको डिवाइड कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में। और माइक्रो में क्या होता है कि जो मल्टीपल डिसेबल बच्चे हैं या फिर अगर नॉर्मल बच्चे तो इकट्ठे ग्रुप में रह के जो है वो काम करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बात नहीं करते, यानी कि जो रिलेट नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग से, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से कौन सी चीज जो है, करेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिलेट नहीं कर रही है। पहला है निर्धारण, सेकेंड है अंतर्दृष्टि, थर्ड है मानसिक रूप और फोर्थ है मोर्चाबंदी, ठीक है, जिसको एनरिचमेंट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इनसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।